हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है चैनल पे। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि हमारी यूट्यूब फैमिली जो है लगभग 12,000 को टच कर रही है। ऐसे में ये आपका प्यार व सपोर्ट है। एंड स्टूडेंट, आप सभी को अगर पता नहीं है तो मैं एक चीज और बता देता हूँ, आरपीयूटी जो है उसकी क्लासेज जो है जल्द ही लगाई जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो है उनको रेगुलर अपडेट मिल सके। स्टूडेंट, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना, वो राजस्थान प्रे वेटनरी, ठीक है, आरपीयूटी की आपको तैयारी जो है कैसे करनी है, कोचिंग संस्थान कहाँ ज्वाइन करना है, सेल्फ स्टडी करनी है तो कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। ऐसे में आपके कई सारे ढेर सारे सवाल है। स्टूडेंट, आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, आरपीयूटी के बारे में 2018 से मेरा फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हो। रेगुलर हर बार की जो है काउंसलिंग प्रोसेस 2018 की, 19 की, 20 की और 21 की, यानी लगभग जो है 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ में मैं आपको ये कहता हूं कि इसकी जो काउंसलिंग है, ठीक है ना, काउंसलिंग एंड इसके जो क्वेश्चंस पेपर आते हैं उन सभी के बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। जैसे कि लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था उसका वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा, आप उसे सॉल्व करना, आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन आप कर पाते हो। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है ना स्टूडेंट, वो ये है कि जो आरपीयूटी की, सबसे पहले तो कई स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर इसकी जो है हम जो है स्टडी कैसे करें। स्टडी का मेरा मीन हो गया कि सर जो है टाइम टेबल क्या होगा। तो मैं आपको टाइम टेबल मैनेजमेंट के साथ में कोचिंग सजेस्ट करूं या फिर बेस्ट बुक, तो इस वीडियो को स्किप ना करते हुए कंप्लीट देखिए। सबसे पहले तो स्टूडेंट मैं बात कर लेता हूं आपको जो है इसकी स्टडी जो है, अब आपका सभी को आपको पता है कि इसका एग्जाम जो है, वो कोरोना की वजह से थोड़ा सा जो है इधर से उधर हो गया था। लेकिन स्टूडेंट इस बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है अभी से, अगर आप 12th पास आउट हो, ठीक है, और आप जो है एक अच्छा खासा आपने पढ़ लिया है, आपके पास में अपने 12th के नोट्स भी है, तो आप इसे 100% जो है आसानी से जो है क्रैक कर सकते हो। आरपीयूटी में उतना नहीं है स्टूडेंट, आपको देखिए सबसे पहले मैं जो चीज समझाने चाहता हूँ, ठीक है ना, कई ऐसे स्टूडेंट है जो कि इंग्लिश मीडियम है, उनको काफी तकलीफ होती है कि सर आप जो है इंग्लिश मीडियम में बात किया करो, हिंदी मीडियम से हमें समझ में नहीं आता है। तो आपके इंग्लिश मीडियम के जो है आपकी क्लासेस जो है इस बार लगा दी जाएगी, ठीक है ना, लेकिन जो भी अपडेट देनी होगी वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपको आपके जो सब्जेक्ट है उनके बारे में, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट एक बायोलॉजी हो गया, ठीक है। सेकेंड जो सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर हमारा वो है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अब स्टूडेंट ये जो हमारा बायोलॉजी है इसमें दो पार्ट है, बायोलॉजी के जो है दो पार्ट है, जिसमें से एक पार्ट तो है स्टूडेंट बॉटनी का, ठीक है, एंड दूसरा पार्ट है वो है जूलॉजी का। वही बात कर लेता हूं स्टूडेंट केमिस्ट्री के, तो केमिस्ट्री में जो है रिएक्शन वगैरह भी जो इसमें आती है, तो इसके जो है लगभग क्या फिक्स है, 45 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और वही जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ में जो है 45 क्वेश्चन ही जो है फिजिक्स के पूछे जाते हैं। एंड स्टूडेंट 45 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं बॉटनी से, और 45 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जूलॉजी से, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज जो है मेरे ध्यान से समझना, बायोलॉजी, ठीक है, केमिस्ट्री और स्टूडेंट फिजिक्स। अब आपको देखिए तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट। सबसे पहले आपको ज्यादा जो फोकस देना है, जैसे कि मैं आपको जो है मैंने आरपीयूटी के बारे में 2018 में जो है मैंने आरपीयूटी जो है स्टूडेंट, आप सोच रहे हो आरपीयूटी के बारे में इतना कैसे, मैंने आरपीयूटी क्रैक कर रखी, ठीक है ना, एंड जो है आरपीयूटी 2018 के बाद में जो है मैंने एक चीज देखी है जो कि जो है आपके पेपर्स आते हैं, ठीक है ना, जो पेपर आते हैं उनमें मैंने एक चीज देखी है कि जिस स्टूडेंट की अगर बायोलॉजी बहुत अच्छी है ना, यानी बायोलॉजी में अगर मैं बात करूं, आप इंग्लिश मीडियम हो थोड़ा कम समझोगे, जिसकी पकड़ आप समझ सकते हो, यानी जो कैचअप करता है ना बायोलॉजी को काफी अच्छी तरीके से, जो कि बॉटनी के भी क्वेश्चन कर सके एंड जूलॉजी भी कर सके, क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है कि
कि 90 क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स का बनता है वह ओनली फॉर यहाँ पर हमारा बायोलॉजी एक सब्जेक्ट करता है। और स्टूडेंट अगर आप बायोलॉजी से हो ठीक है, तो आपको पता है कि आप आसानी से 90 में से अगर स्टूडेंट 80 क्वेश्चन अगर राइट करते हो ठीक है, 80 क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका सिलेक्शन जो है पक्का हो जाता है। ऐसे में स्टूडेंट को एक दिक्कत रहती है फिजिक्स की कि सर फिजिक्स की तैयारी कैसे करें। तो स्टूडेंट में गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि जितने भी जो है अब तक के पेपर हुए उनको देखो, प्रैक्टिस सेट मिलाओ एंड स्टूडेंट मार्केट से जो है ठीक है। अब मैं आपको बुक के बारे में बता देता हूं। जैसा कि स्टूडेंट हर बार ये होता है कि न्यू बुक आती है लेकिन जो है बुक आपको मार्केट से या फिर ऑनलाइन आप परचेज कर लेना। राजस्थान प्रे वेटनरी आरपीयूटी ऐसे नाम लिखा होगा ठीक है ना, एंड एक जो है डॉग की ऐसे फोटो रहेगी, तो वो आप जो है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन अपने मार्केट से बाय कर लेना ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं कि सर कोचिंग ज्वाइन करूं या फिर सेल्फ स्टडी करूं, सर जो है सिलेबस कैसे कंप्लीट करूं। तो स्टूडेंट अगर मैं कोचिंग की आपको सजेस्ट करूं तो स्टूडेंट राजस्थान के अंदर में देखे ना कि आरपीयूटी राजस्थान प्री वेटनरी, जैसे कि आप सभी को पता होगा ये एक वेटनरी का जो है डिग्री कोर्स होता है। तो यहाँ पर राजस्थान में जो है ऐसा कोई संस्थान ऐसा नहीं है जो कि केवल जैसे कि वेटनरी के, ऐसे कई छोटे मोटे संस्थान आपको मिल जाएंगे लेकिन ऐसा कोई जो है स्थायी संस्थान नहीं है जो कि केवल आरपीयूटी की तैयारी करवाए। जैसे कि रीट हो गया, तो रीट के कई संस्थान है, रीट जो एग्जाम होता है शिक्षक पात्रता का, उसमें जो है स्थायी संस्थान होते हैं। लेकिन आरपीयूटी का ऐसा कोई स्थायी संस्थान क्यों नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट इसमें सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट है बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री जो कि आपके ट्वेल्थ में है। और सेम जब आप बुक परचेज करोगे या फिर आपके पास में पहले से बुक है ना, तो स्टूडेंट उसमें देखना जो सिलेबस दे रखा है ना, वही सिलेबस जो है आपके ट्वेल्थ में था वही सिलेबस इस आरपीयूटी वाली बुक में है। तो आप कंपेयर कर सकते हो दोनों में से, कुछ नए टॉपिक भी जुड़े होंगे जो मैं आपको पीडीएफ की सहायता से बता दूंगा और भी अच्छी तरीके से। चलिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।